ये नवाब थे अकूत संपत्ति के मालिक। शौक ऐसे कि एक के पास थे 10,000 से ज्यादा नौकर। पहले के नवाब और राजा महाराजा की आलिशान जिंदगी के बारे में जानने की हर किसी की इच्छा होती है। ऐसे ही आज हम आपको उन नवाबों के बारे में बताएंगे जो अकूत संपत्ति के मालिक थे। एक नवाब मोहम्मद महबत खान जी रसूल खान जी जूनागढ़ के अंतिम नवाब माने जाते हैं। इन्हें जानवरों के प्रति काफी लगाव था। उन्होंने अपने जीवन में 300 कुत्तों को पला था और इतना ही नहीं, वो अपने प्रिय कुत्तों के लिए जन्मदिन और शादी के विशाल समारोह का भी आयोजन करते थे। दो नवाब मीर उस्मान अली ए दुनिया के सभी नवाबों में सबसे ज्यादा कर्मचारी रखने के लिए जाने जाते थे। जब 1967 में इनकी मृत्यु हुई तब इनके पास 14,718 इनके यहाँ काम पर लगे हुए थे, जिनमें केवल 3,000 महल की सुरक्षा के लिए रखे गए थे, वही 28 पानी पिलाने के लिए और कई कर्मचारी पान तोड़ने का काम करते थे। 3 निजामीर उस्मान अली खान हैदराबाद के निजामीर साहब। फोर्ब्स ऑल टाइम वेल्थीस्ट 2008 के अनुसार आज तक के पांचवे सबसे बड़े दौलतमंद माने जाते हैं। बिल गेट्स को उनके समाने 20वां स्थान मिला है। 1930 से 1940 तक 136 अरब की संपत्ति के साथ निजाम साहब उस समय के दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद थे, जो 4 अरब की कीमत के 185 कैरेट के हीरे को एक पेपर वेट के रूप में प्रयोग करते थे। 4 नवाब मोहम्मद याहिया मिर्जा असफुद्दौला 1738 में ब्रिटिश शासन के तहत याहिया मिर्जा को अवैध नवाब घोषित कर दिया गया। एक बार उनके राज्य में जब बकाल की स्थिति उत्पन्न हुई तब लोगों को रोजगार देने के लिए उन्होंने पर्यटक स्थल बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण शुरू करा दिया ताकि लोग भूखे न मरे, और 20,000 लोगों को इसके काम में लगाया और उनको विश्वास दिलाया कि जब तक अकाल की स्थिति खत्म नहीं होती तब इसका निर्माण चलता रहेगा।